न्यूज आई थी, कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है और उसने पाकिस्तान आर्मी से किसी से 30,000 लेने का की बात की है कि जी इंडियन आर्मी पे अटैक करेंगे, क्या न्यूज है वो? और 30,000 में इस तरह का काम कौन करेगा सर? आजकल तो बिल 40,000 के आते हैं बिजली के, तो आपके ख्याल से वाकई में वो सच बात कर रहे हैं? ये शख्स आया है, और जहां तक 30,000 की बात है, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूं क्यों ये प्लॉजिबल भी है और सच भी है। क्योंकि पाकिस्तान से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जिहाद की बात करती है, पाकिस्तानी फौज भी जिहाद की बात करती है, पर ये अपने बच्चे कभी नहीं भेजते जिहाद के लिए। ये जो 30,000 रुपए की बात है ना कोई तो ऐसा गरीब होगा पाकिस्तान में जिसके लिए 30,000 बहुत बड़ी रकम होगी। आपने ठीक बोला कि 40,000 का बिजली का बिल आता है, पर वो एक मिडिल क्लास की बात कर दी आपने, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है उनका भी इतना आएगा, जो घर में एसी वेसी चलाते हैं, जिस आदमी को ये नहीं पता कि अगली रोटी कहां से आएगी, जो डेस्परेट है। और ट्रेडिशनली पाकिस्तान से ऐसे ही लोग आते रहे हैं, आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान से कोई डबल PhD आ रहा है यहां पर जहाद लड़ने के लिए। जितने भी फौजी जनरल्स हैं, मैं तो जा चुका हूं, आई हैव सीन देम इन ऑक्सफर्ड, आई हैव सीन देम इन किंग्स कॉलेज, ये बड़े बड़े कोर कमांडर और आपके डिफ कमांडर, बड़े बड़े जो जनरल हैं 2-star 3-star, उनके बच्चे तो बाहर जाते हैं ऑक्सफर्ड में, कैम्ब्रिज में, और येल में, किंग्स कॉलेज लंदन में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, बड़ी बड़ी जगह ये लोग जाके पढ़ते हैं, जो आपका जो अशराफिया, जो आपका क्रीम है, उनके उनके बच्चे, और जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा बच्चा तो नहीं कहूंगा, मतलब जो गरीब इंसान है, जो गरीब शख्स है, गरीब पाकिस्तानी है, अब उनको कई तो मैंने खुद ऐसे कश्मीर में लोगों से मिला हूं जिन्होंने मुझे बताया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टली, हमारे समय तो अफगान ज्यादा आते थे और यू नो कबायली इलाके वाले लोग ज्यादा थे वहां पे, सूडनीज भी आए हैं, लेबनीज भी आए हैं, चाइनीज, ये सब आते थे एक जमाने में, क्योंकि फेंसिंग नहीं होती थी और उस जमाने में शुरू शुरू हुआ था आतंकवाद, 2-4 साल हुए थे, 5 साल हुए थे, तो उस समय तो ऐसे लोग आते, फिर आते चले गए, फिर एक बार बंद हो गए वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है अर्जु जी कि जिस तरीके से एक कॉमन पाकिस्तानी को भेड़ बकरी बना के बोला है कि बेटा ऐसा है कि मैं तो जनरल हूं, मेरा बेटा ऑक्सफर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, तुम्हारा बेटा कश्मीर जाएगा जिहाद के लिए, तो जिहाद गरीब के लिए होता है अर्जु जी, जिहाद अमीर के लिए नहीं है, वो जनरल के बेटे के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के बेटे के लिए नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे के लिए नहीं है, वो मीडिया, जो मीडिया हाउस जो हेड करता है, जिसके एंकर्स शाम को 8-9 बजे 7 बजे चीखते हैं जिहाद जिहाद, वो मीडिया हाउस का जो मालिक है वो अपने बेटे को नहीं भेजता, वो अपने बेटे को लंदन भेजता है, गरीब के बच्चे को भेजता है, रेड़ी वाले के बच्चे को भेज दिया कि तू जाके जिहाद लड़ो, यहां पर निपट जाते हैं वो। तो ये स्टोरी है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, आया है वो, उसको पकड़ लिया, ठीक, इट्स ओके। लेकिन किसी ने बात की है पाकिस्तान से और इस तरह से जो नाम लिया गया पाकिस्तान के कर्नल का, तो मेरे ख्याल से काफी सीरियस मामला है, और इसके ऊपर कोई जवाब आया पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा अर्जु जी, पाकिस्तान में खुद 26/11 के लिए 3-3 FIR लगा रखे हैं, खुद पाकिस्तानी स्टेट ने फाइल करे हैं, यानी कि पाकिस्तानी स्टेट मानता है कि 26/11 जो हुआ था उस पर पाकिस्तानी मुलव्वज़ हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फाइल करा, हमने जो कराया छोड़ दीजिए, हमने जो अजमल कसाब को फांसी दी छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद यहाँ पे FIR फाइल करे हैं। खैर, FIR तो मेरे खिलाफ भी फाइल करे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अलग चीज है, बट इनके लिए 26/11 वालों के लिए भी फाइल करे वहां पे FIR, उनका क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो इन चीजों का बनता कुछ नहीं आरजू जी, इन चीजों का कुछ भी नहीं बनता, अक्षरधाम अटैक्स का क्या बन गया, पार्लियामेंट अटैक्स का क्या बन गया, कुछ बात नहीं बनेगी इनकी, जो भी करना है इंडिया को ही करना है। और ये बात मैं कहते चला रहा हूं, मैं जिसको भी मिलता हूं, जो भी मुझसे बड़े हैं, दे आर इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, इन यूनिफॉर्म, आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्म, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूं कि सर वी आर अलोन, हम अकेले हैं, और हमें जो भी करना है भारत को, जो भी करना है भारत को खुद करना है, किसी से उम्मीद लगाना, पाकिस्तान से, अमरीका से, रूस से, किसी से भी उम्मीद लगाना ये गलत है, आपको खुद अपनी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी और आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ साथ एक और न्यूज थी कुछ टाइम पहले की, के मिसाइल जो था वो पाकिस्तान आ गया था टहलता घूमता हुआ,
और आपने कहा कि कई लोगों ने कहा जी गलती से हो गया, आपने कहा कि नहीं गलती से नहीं हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी इस तरह की भी स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी तीन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी वो तो इंटरनल थी, उसमें पाकिस्तान ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, अमरीका ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, उससे मतलब ये तो ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया कि अगर पाकिस्तान ने नहीं अप्रिशिएट करा तो क्या ये थोड़ा सा कौन सा कि ये गाना वाना थोड़ा ना कर रहे हैं, कव्वाली थोड़ा ना सुना रहे हैं कि कोई अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो सर आया तो इधर ही था ना, पाकिस्तान में आया था तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन तो करेगा। नहीं पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेगा, पाकिस्तान का काम ऑब्जेक्शन करना नहीं है, पाकिस्तान का काम है कार्रवाई करना। 370-35 से हटाया, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन करा, पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, देखिए ना मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, बोला कि तीन अफसरों को बर्खास्त कर दिया। आरजू जी मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी आर्टिकल पढ़े, मैंने भी आर्टिकल पढ़े, मीडिया आप भी फॉलो करती हैं, आप भी मीडिया का हिस्सा, मैं भी मीडिया का हिस्सा हूं, वो जो तीन अफसर थे उनके नाम क्या है आपको पता है? नहीं, नहीं पता ना नाम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बात यह है कि ये सब जो चीजें हैं जो पाकिस्तान अगर ऑब्जेक्ट करेगा और पाकिस्तान ये बोलेगा कि नहीं हमें साथ में, शायद आप ये भी जिक्र कर रही थी कि हम साथ में इंक्वायरी करेंगे, वो दिन चले गए। एक बार पठानकोट में अटैक हुआ था और आईएसआई को, जस्ट इमेजिन, इन अ वेरी सेंसिटिव फॉरवर्ड बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आईएसआई को इनवाइट करा था कि आप भी आके देखिए, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे, आप खुद अपनी आईएसआई भेजिए। आईएसआई वाले आए थे पठानकोट बेस पे देखने के लिए, क्या बना उसका, मना कर दिया आईएसआई ने कि हम आएंगे। फिर भारत ने बोला कि नहीं हम खुद देख लेंगे। फिर उस दिन के बाद मोदी जी ने भी मुंह मोड़ लिया और बोला कि साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमने कौन बुलाता है दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी को अपने एक टॉप सीक्रेट और क्लोजली गार्डेड फॉरवर्ड एयरबेस पे, कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, हमने बुलाया। फिर एहसास हुआ कि गलती हो गई, नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, हमारा मामला हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये सब चीजें कितना ज्वाइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पता नहीं कौन कौन है, कौन शगुफ है छोड़ता है, इंडिया मानने वाला ज्वाइंट इंक्वायरी, इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है भूल भाल जाना चाहिए ये सब ऐसी बातें। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपके ख्याल से? कौन सा? यही जो कहा है पाकिस्तान ने कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था, मतलब ठीक है तीन लोगों को हटा दिया गया लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एतराज है? नहीं इतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है, उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे, पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेजते उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है, तो क्या देखने आ रहे हैं आप? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं जो आपने रिपीट करा था, बिल्कुल ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। ये कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, आई डोंट थिंक। हाँ लेकिन ये आपके यहाँ से कहा गया था, गलती से चल गया, वो हमारे यहाँ हुआ करता था पुराने जमाने में एक ना, कि वो जो बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली चल गई, इस तरह की न्यूज आया करती थी बहुत ज्यादा, आजकल थोड़ी कम हो गई है। लेकिन साथ साथ एक स्टेटमेंट और आपकी मैं देख रही थी, बल्कि आपकी एक वीडियो भी देख रही थी कि उसमें आपने कहा कि जी पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलकर इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में, वो कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स है टर्की के, इसलिए? पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप तीन वजूहात लिखिए, तीन चीज ना कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। आप सभी ने वीडियो देख ही ली होगी और वीडियो में समझा होगा कि जिहादी कौन बनते हैं। अब जिहादी पर तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि एक तबारक हुसैन नाम का एक व्यक्ति रविवार को नौशेरा सेक्टर पर पकड़ा गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसे क्यों गिरफ्तार किया, आइए आपको बताते हैं।
सा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी को पाक खुफिया एजेंसी के कर्नल ने भारतीय सेना की चौकी पर हमले के लिए 30,000 रुपए दिए थे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 30,000, इससे ज्यादा तो हम अपने कुत्तों पर खर्च कर देते हैं। खैर छोड़ो, वो कंगाल पाकिस्तान है। अब आपको बताते हैं कि वह व्यक्ति है कौन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में कटौली के सब्जकोट गांव के निवासी 32 वर्षीय तबारक हुसैन है, जिससे रविवार को नौशेरा सेक्टर में गिरफ्तार किया गया था। हुसैन के साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा ललकारे जाने पर उसे छोड़कर वापस भाग गए। अधिकारियों ने अब आगे बताया है कि पिछले 6 साल में दूसरी बार हुसैन को सीमा पार से इस तरफ घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वह पाकिस्तानी सेना की एक खुफिया इकाई के लिए भी काम करता है। पाकिस्तान के लिए काम करता है ये आदमी। अब गरीब आदमी को ही ये लोग जिहादी बनाते हैं। अब अपने बच्चों को तो ये जिहादी बनाएंगे नहीं, तो गरीब को ही ये पकड़कर आतंकवादी यानी जिहादी बनाते हैं। ज्यादा पूछताछ पर आतंकवादी ने भारतीय सेना की चौकी पर हमले की जाने वाली साजिश को अपनी कबूल लिया है। हुसैन ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कर्नल यूनुस चौधरी ने उसे भेजा था और 30,000 रुपए दिए थे। हुसैन ने लंबे समय से आतंकवाद से जुड़े होने की बात भी कबूल की और बताया कि पाकिस्तान सेना के मेजर रज़ाक ने उसे प्रशिक्षण दिया है। उसने सेना के ही अस्पताल में मीडिया को बताया कि मुझे धोखा दिया गया है मेरे आतंकवादी साथियों द्वारा और फिर भारतीय सेना ने मुझे पकड़ लिया। तो दोस्तों आप क्या कहोगे इसे लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज़।